हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2019, तो आज की बिहार की टॉप 20 न्यूज लेकर आए आपके लिए। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत दिए हैं। इसकी वानगी बुधवार को पटना में तब देखने को मिली जब 40 वर्ष पुराने डूड मंदिर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया तो वो स्पॉट पर गए और धरना प्रदर्शन करने लगा। बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी उसका साथ दिया और अपने समर्थकों को एक संदेश भी देने की कोशिश की है। इस बीच उनकी पार्टी में ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। हालांकि उन्होंने खुद इस मसले पर मीडिया के सामने कोई भी बात नहीं रखी है, फिर भी बिहार की राजनीति में इस बात की क्यास लगाए जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव की कमान तेजस्वी यादव हाथ में सौंप सकते हैं। सहरसा में कमिश्नरी के पास स्थित अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को दूर करते हुए कलेक्टर परिसर में जबरन प्रवेश करके हंगामा मचाया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई कार्यालयों में तोड़फोड़ की और बाहर खड़े वाहनों को भी निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों के उत्पात से अधिकांश अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय छोड़कर भागना पड़ा। निगरानी विभाग की टीम ने बिहार के सासाराम जिला में बड़ी कार्रवाई की है। सुबह निगरानी विभाग की टीम ने सासाराम जिला में SFC के जिला मैनेजर सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया है। वह करगहर प्रखंड के कल्याणपुर कुड़ियारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गोवर्धन सिंह के बकाए बिल के भुगतान के लिए 90,000 रूपए रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तार सुधीर कुमार समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर के निवासी है और पटना में भी उनका आवास है। NIOS की ओर से DLED का रिजल्ट कार्ड जिला शिक्षा कार्यालय में भेजना शुरू कर दिया है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय में 21 अगस्त को भेज दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में इसे 26 अगस्त तक भेज दिया जाएगा। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीघा में बालू नदी नाव बीच गंगा में डूब गई। इस नाव में कुल 32 लोग सवार थे। 5 लोगों को नाविकों ने पानी से बाहर निकाल दिया। 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से बाहर निकाला। खबर मिलने तक वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच चुके थे। पटना में दूध मंदी को बचाने के लिए भारी बारिश में लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन दूध वालों के लिए काम आ गया है। 8 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा का समापन प्रशासन ने उस लिखित आदेश के साथ हुआ जिसमें दूध वालों के लिए नई मंडी बनाने की बात कही गई है। गया के परवा गाँव में सुबह सीटी की आवाज गूंजती है और बच्चे के कदम स्कूल के तरफ बढ़ने लगते हैं। गरुआ प्रखंड के पुरवा स्थित मध्य विद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र कुमार इस बात को लेकर काफी चिंतित रहते थे कि पास में स्कूल रहते भी बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। करीब 1 साल पहले उन्होंने गांव में सीटी बजवाकर बच्चों को स्कूल आने की न्योता देता था। उनका यह प्रयोग कामयाब रहा। उन्होंने इस प्रयोग को और भी बल दिया। आसपास के टोलों में एक छात्रों को लीडर चुनकर उसे सीटी बजवाने का लीडरशिप दिया, जिसके बाद सीटी बजते ही स्कूल के सारे बच्चे स्कूल आकर पहुंच जाते हैं। बिहार के शेखपुरा जिला खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस जिले में 8,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घर शौचालय नहीं बना है। ऐसे में राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को दिसंबर तक इस आंकड़े को पूरा करने का अल्टीमेट दिया है। पटना के गांधी घाट पर देर शाम गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह गया है। दीघा घाट और हाथीदह में भी गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों जगहों पर क्रमशः 44 और 20 सेंटीमीटर नीचे हैं। सोन और पुनपुन नदियों का जलस्तर में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने पर उनका बड़े भाई तेज प्रताप यादव उसका निराले अंदाज में स्वागत किया है। उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी यादव को महाभारत का अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए विरोधियों को सावधान हो जाने की नसीहत दे दी है। पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को महाभारत की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और अब उनका अर्जुन भी आ गया है। ऐसे में विरोधियों को अब सावधान हो जाना चाहिए। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे के एक बयान के बहाने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की खराब कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिहार की लचर कानून व्यवस्था अब मरणास्त्र अवस्था में पहुंच चुकी है। पुलिस का काम बस सरकारी आकाओं की राजनीति को पंखे देने। पूर्णिया नगर निगम के सभी 46 वार्डों में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल का योजना से आम जनों को बिहार राज्य जल पार्षद के द्वारा स्वच्छ जल मुहैया कराना है। खासकर जहां जहां फ्लोराइड आर्सेनिक और आयरन प्रभावित टोले या फिर वार्ड हैं, वहां रिमूवल ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर हर एक घरों में स्वच्छ जल पहुंचाना है और इस कार्य में सरकारी तौर पर लगातार चरणबद्ध तरीके से राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर राजधानी पटना के बेरोजगार युवकों से करीब 50 लाख रुपए ऐंठने की योजना बनाई है। साक्षरता कार्य के लिए 100 युवकों को बुलाया गया था और एक एक युवक से 50,000 रुपए की मांग की गई थी। पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा पकड़े गए ठग गिरोह ने की है।
सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में 2020 से बदलाव करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई हेडक्वार्टर ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 10वीं और 12वीं के विषयों में विवरणात्मक प्रश्नों की संख्या कम की गई है। भागलपुर का सबौर विश्व प्रसिद्ध बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने धान की फसल को अर्धसैनिक से बचाने के लिए सबौर बायो अर्धसैनिक मिटिगेटर 1 नामक बैक्टीरिया तैयार किया है। इसका उपयोग भागलपुर सहित बिहार के 14 जिलों के अर्धसैनिक प्रभावित इलाकों में किसान कर सकते हैं। इससे न सिर्फ धान के पौधों में अर्धसैनिक की मात्रा कम होगी बल्कि उससे होने वाले गंभीर बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा सकता है। किशनगंज रेलवे स्टेशन परिसर पशुओं का बसेरा बन गया है। दिन भर मुख्य द्वार पूछताछ केंद्र के समीप बने शेड में पशुओं की चहलकदमी होता रहता है। निवाला की तलाश में स्टेशन परिसर में घूमते दिख जाते हैं। पशुओं का मलमूत्र के दुर्गंध से यात्री भी परेशान रहते हैं, लेकिन रेल प्रशासन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक साथ पशुओं की झुंड को देखकर यात्री के साथ आए बच्चे भी सहम जाते हैं। शरीर के लिए आंख सबसे अनमोल है। आंख के बिना इंसान का जीवन अंधकार में हो जाता है, ये बात हम सब भली भांति जानते हैं। इसके बावजूद आंख की देखभाल के प्रति हम लोग संजीदा नहीं हो पाते हैं। इसी का नतीजा है कि अररिया जैसे पिछड़े जिले में भी ड्राई आई सिंड्रोम बीमारी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर घंटों कंप्यूटर मोबाइल टीवी पर बिताने वाले लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पताल में आए दिन ऐसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सकों की माने तो पिछले 5 सालों में 10% से अधिक ड्राई आई सिंड्रोम के मरीज बढ़े हैं। रोजाना नेत्र ओडीपी में करीब 20% मरीज इसकी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज बस यही था। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे किसी भी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए और सामने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।